Dear students, welcome again to the second part video of poem Risks. इस वीडियो में हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे हल करना है समझेंगे। पोइम का नाम आपको लर्न है रिस्क्स, और पोइट का नाम भी आपको लर्न हो गया है जेनेट रैंड। थीम, अब आते हैं थीम पे। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, मेन सब्जेक्ट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, केंद्र बिंदु, केंद्र विचार जो है पोइम का वो। अब रिस्क्स पोइम के अंदर कवि हमें समझाता है, हर लाइन के अंदर वो एक ही संदेश देता है, वो क्या है, टू टेक रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर जीवन में आपने कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क एक मोटिवेशनल पोइम है, कवि हमें रिस्क लेने के लिए प्रेरणा देता है और बताता है कि हमें क्यों रिस्क लेना चाहिए, और अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो क्या फ़र्क हमारे जीवन में आएगा, और अगर रिस्क लेंगे तो हमारी लाइफ क्या बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं रिस्क पोइम की एक्सप्लेनेशन अपने को कैसे करनी है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसके चार पार्ट होते हैं, एक तो रेफरेंस, और फिर होता है कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशंस, और फिर क्रिटिकल कमेंट। इसके चार भाग होते हैं। रेफरेंस के अंदर हमने लिखना होता है कि ये जो स्टेंजा है जो अपने एग्जाम में आया है वो कौन सी पोइम से लिया गया है, और कौन से पोइट या पोइटेस ने इसको कंपोज किया है। तो इसके अंदर आप सिंपल ये लाइनें लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क्स कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड ए ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर। कि ये जो लाइनें हैं ये रिस्क पोइम से ली गई है जिसे कंपोज किया गया है जेनेट रैंड के द्वारा, जो कि एक ग्रेट पोइट और स्कॉलर थे, स्कॉलर मीन विद्वान। आप एक बात का ध्यान रखना, रिटन नहीं लिखना है आपने, कंपोज्ड ही लिखना है। कंपोज्ड का मतलब रचना की गई है, रचित है, रिटन नहीं होता है। पोइम रिटन नहीं होती, कंपोज होती है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने लिखना होता है मेन आइडिया, मेन जो स्टेंजा के अंदर मेन थीम जो आई है वो आपने लिखनी होती है। जैसे इन दिस पोइम रिस्क्स द पोइट जेनेट रैंड वांट्स टू टेल अस, इस पोइम के अंदर जो हैं जेनेट रैंड वो हमें बताना चाहते हैं किसके बारे में, टू टेक रिस्क्स इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग। अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें क्या है, रिस्क लेना चाहिए, ये इसकी मेन थीम है। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको चेंज नहीं करना है, हर एक कोई सी भी लाइन इसमें आए तो वो सेम ही रहेगा। उसके बाद में एक्सप्लेनेशंस के लिए कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइंस हैं जो आप कोई सी भी पोइम्स का स्टेंजा आ जाए आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। जो गिवन लाइंस हैं उनको तो आपने एक्सप्लेन करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप इनको ऐड करके और उसकी एक्सप्लेनेशन को बढ़ा सकते हो। जैसे दिस स्टेंजा इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, नेम ऑफ पोइट लिख देना है, या आप सीधा पोइट्स भी लिख सकते हो। दिस स्टेंजा इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पोइट्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन। ये जो स्टेंजा है ये कवि की जो भाषा है उसने क्या किया है, शब्दों का जो चयन है, डिक्शन में शब्दों का चयन, शब्द और शब्दों का चयन है वो बड़ी सहजता के साथ किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन में आप किसी भी पोइम के लिख सकते हो। दीज लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, ये सभी लाइनें हैं वो बड़ी ही म्यूजिकल हैं, संगीत में हैं। तो ये भी आप कोई सी भी पोइम की आ जाए, चारों पोइम में से उनमें से किसी की एक्सप्लेनेशन के साथ इन लाइनों को आप ऐड कर सकते हो। द पोइट इज एबल टू प्रोड्यूस ए ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड हार्ट। कवि है वो समर्थ है प्रोड्यूस, उत्पन्न करने में, पैदा करने में ग्रेट इफेक्ट, एक बहुत अच्छा प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर। तो ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो। द पोइम इज़ ए गुड एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स
माइंड एंड हार्ट। कविता जो है वो कवि के मन की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। तो सारी कविताएं कवि के मन की ही अभिव्यक्ति होती है, तो ये लाइन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और क्या ऐड कर सकते हैं? उसके बाद में आपका आ जाता है फोर्थ पार्ट, क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट ये सभी पोइम्स के लिए कॉमन है। आपका चाहे कोई सी भी पोइम में से स्टंजा आया हो, आप इसको क्रिटिकल कमेंट को बस एक इसी चार पांच लाइनों से काम चला सकते हो। जैसे दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पोइम, यह एक बहुत अच्छी कविता है। द पोइट हैज़ यूज सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कवि ने बड़ा ही सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल और सुंदर लैंग्वेज का प्रयोग किया है, भाषा का प्रयोग किया है। द पोइट हैज़ यूज सिंपल वर्ड्स इन द पोइम, कवि ने कविता के अंदर बिल्कुल सिंपल से शब्दों का प्रयोग किया है। द पोइट हैज़ यूज गुड स्टाइल इन द पोइम, पोइम के अंदर कवि ने बड़े ही अच्छे स्टाइल से कविता को लिखा है। द पोइम गिव्स अस ए साउंड एंड डीप मैसेज, कविता हमें बहुत ही सुंदर मैसेज देती है। तो ये क्रिटिकल कमेंट आपको सभी पूरी, चाहे आपकी चारों पोइम में से कोई सी भी आ जाए तो उसके लिए आपको यूज़ करना है। रिस्क पोइम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मान लो ये स्टंजा आता है, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ये स्टंजा आपके एग्जाम में आता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अपने ऊपर जिक्र कर चुके हैं, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ। रेफरेंस आपको पता ही है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड, ए ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर। कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन दिस पोइम रिस्क द पोइट जेनेट रेंड वांट्स टू टेल अस टू टेक रिस्क इफ वी वांट टू टेक इफ वी वांट टू अचीव समथिंग। अब एक्सप्लेनेशन अपने करनी है तो इसके अंदर अपने कुछ पेट बातें जो मैंने बताई थी वो लिख सकते हैं साथ में लाइनें। जैसे दिस स्टंजा इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ जेनेट रेंड्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, ये लाइन बताई हुई है। आप इसकी जगह पोइट्स भी लिख सकते हो, पोइट्स गुड एग्जांपल ऑफ पोइट्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन। द पोइम इज ए गुड एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स माइंड एंड हार्ट, ये वही लाइन है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क। अब अपने इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन शुरू करती है कि ये जो पंक्तियाँ आई हैं इस स्टंजा की, इनमें कवि क्या कहता है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क, क्योंकि टू लाफ इज टू रिस्क, टू वीप इज टू रिस्क, तो हर जगह पे रिस्क है। इसलिए कवि कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये सारा ही रिस्क से, जोखिम से भरा है। एट एवरी स्टेप वी सी रिस्क, हम प्रत्येक स्टेप पे रिस्क देखते हैं, मिलता है हमें, जोखिम मिलता है। इफ़ ए पर्सन लाफ्स, अगर कोई व्यक्ति हंसता है, ही फियर्स, उसे डर रहता है, पीपल विल कॉल हिम ए फूल, कि लोग उसे क्या बुलाएंगे, मूर्ख कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ ए पर्सन वीप्स, अगर कोई व्यक्ति रोता है, पीपल विल कॉल हिम सेंटिमेंटल, तो लोग उसे क्या बुला सकते हैं, सेंटिमेंटल। इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन, अगर कोई किसी की सहायता करने के लिए जाता है तो उसमें भी क्या है, रिस्क है। ही टेक्स द रिस्क ऑफ इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है। तो कवि हमें बताता है कि यहाँ
इस संसार के अंदर हर चीज के अंदर रिस्क है। इफ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, अगर हम हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बताएंगे तो देयर विल बी रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग आवर ट्रू पर्सनैलिटी, तो उसमें भी खतरा है कि हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। अब इस पैराग्राफ के अंदर अपने कुछ क्रिटिकल कमेंट्स दे सकते हैं। द पोइट हैज़ यूज सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कवि ने बिल्कुल सिंपल और सुंदर लैंग्वेज का प्रयोग किया है। द पोइट हैज़ यूज सिंपल वर्ड्स इन द पोइम, इस स्टेंजा के अंदर पोइम के अंदर कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। द पोइम गिव्स ए साउंड एंड डीप मैसेज, कविता एक बहुत अच्छा मैसेज हमें संदेश देती है। तो ये क्रिटिकल कमेंट हो गया और इस तरीके से ये आपका एक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। बाकी सारी इसी तरीके से करनी है, उनके अंदर आगे अपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्रिटिकल कमेंट और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो नेक्स्ट पैरा जो है वो आ गया अपना, टू होप is to risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard, आपको शायद याद होगा, hazard mean भी क्या होता है, risk, in life is to risk nothing। आप इस poem कि जो भी स्टेंजा है उसको पहचानने के लिए, बिल्कुल सिंपल है, रिस्क इसमें भी आया, रिस्क यहाँ भी आया, रिस्क यहाँ भी आया, टू ट्राई, टू होप, टू रिस्क, तो इस तरीके से आप इजीली इस पोइम को पहचान जाएंगे। इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट ऊपर दिए हुए हैं, एज इट इज़ ही करने हैं। तो अपने इस स्टेंजा की सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन। पैराग्राफ तो ऐसे का होता है और पोइम का स्टेंजा होता है, ये आप ध्यान रखना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का डर है। कवि क्या कहता है, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है, इफ वी होप, अगर हम आशा करते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ डिस्पेयर, तो उसमें निराशा का डर है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के अंदर ये एक्सप्लेनेशंस है, आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, वी फियर, तो हमें डर होता है, वी शैल फेल, कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। बट द पोइट सेज, लेकिन कवि कहता है, वन मस्ट गेट रेडी, हर किसी को तैयार रहना चाहिए टू टेक रिस्क, जोखिम लेने के लिए, इन लाइफ, जीवन में, बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, क्योंकि रिस्क लिए बिना इस जीवन के अंदर कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है आपके इस रिस्क पोइम का वो है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, व्यक्ति जो कोई भी रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग, बिकम्स नथिंग, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट आपको सेम वही रखने हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द मैन हु डज नॉट टेक रिस्क, व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, ही कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ही अटेंस नथिंग इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। He is worth nothing and becomes nothing. Worth mean योग्य, वो किसी के योग्य नहीं होता और कुछ
बन नहीं सकता। द पीपल हु अवॉइड पेन एंड ग्रीफ, पेन एंड ग्रीफ दुख और दर्द, कैन नॉट लर्न एनीथिंग इन लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं सीख सकते। दे कैन नॉट फील एनीथिंग न्यू, अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो क्या है, कुछ भी नया फील नहीं कर पाएंगे। एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया फील नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट चेंज, वो कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे, एनीथिंग कुछ भी, एज दे देमसेल्व्स, क्योंकि वो खुद डोंट चेंज, वो नहीं बदलेंगे। अगर कोई रिस्क नहीं उठाएगा तो इसका मतलब वो बदलेगा नहीं, एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा। तो ना तो वो खुद में बदलाव लाएंगे और ना ही किसी दूसरे में। दे कैन नॉट डेवलप इन देयर लाइफ, डेवलप विकसित होना, ग्रो होना, ग्रो करना, तो वो अपने लाइफ के अंदर ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट लव अदर्स, वो दूसरों को प्यार भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, संक्षेप में, दे कैन नॉट लिव देयर लाइफ फुली, वो अपने जीवन को पूरी तरीके से नहीं जी सकते। ये तो थी आपकी एक्सप्लेनेशंस। इसके बाद में आता है मेन आइडिया। मेन आइडिया का मतलब ये है कि इस पोएम के जो मुख्य बिंदु हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन आता है अगर आप उसके अंदर ये मेन आइडिया लिख के आते हो तो आपके कुछ ना कुछ नंबर सिक्योर हो जाएंगे। इसलिए अपने इसका थोड़ा सा मेन आइडिया कर लेते हैं। द पोइट सेज दैट देयर इज रिस्क इन वट एवर वी डू, कवि कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके अंदर रिस्क रहता है। नथिंग इज रिस्क फ्री, कोई भी काम है वो बिना रिस्क के नहीं है, जोखिम से मुक्त नहीं है। बट इट डज नॉट मीन दैट वी स्टॉप डूइंग एनीथिंग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम काम करना ही बंद कर दें। ए करेजियस पर्सन कैन गेट सक्सेस, एक जो साहसी व्यक्ति है वही सक्सेस पा सकता है। द ओनली पर्सन हु टेक्स रिस्क एंजॉय द फ्रीडम इन दिस वर्ल्ड, वही व्यक्ति इस संसार के अंदर आज़ादी का लुत्फ उठा सकता है जो कि रिस्क लेता है। इसलिए कवि हमें कहता है कि देयरफॉर इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लिया जाना चाहिए। तो ये थी आपकी पोइम रिस्क्स की एक्सप्लेनेशंस। एक नई वीडियो और एक नई पोइम के साथ फिर से हाजिर होते हैं। और हाँ, आप भी इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पोइम का और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन कर सकें।